सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी आर। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिटसेट का आइट्रेशन 4 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे मेरे से एक दो डाउट पूछ रहे कि भाई आइट्रेशन 4 में इस वाले ब्रांच की कितनी कट ऑफ गई है, कितना कट ऑफ का ड्रॉप आया। तो यार अभी जस्ट रात में रिजल्ट आया था, ठीक है। रात को 10-11 बजे तक रिजल्ट नहीं था वेबसाइट पर, लेट नाइट में ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो अभी हमको भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं लगा है कि कौन से ब्रांच को कितने मार्क्स पे अलॉट हुआ है, कौन से कैंपस में कितने मार्क्स पे अलॉट हुआ है। तो उन सभी एनालिसिस के लिए एज ऑलवेज मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक लगाया है। उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं पूछा गया पर्सनल, सिर्फ आपका नाम, आपका बिटसेट स्कोर, आपको फोर्थ आइट्रेशन में कौन से कैंपस में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। ये चार क्वेश्चन है, उसमें नाम, बिटसेट स्कोर, ब्रांच अलॉटेड इन आइट्रेशन 4 एंड कैंपस इन विच ब्रांच इज अलॉटेड इन आइट्रेशन 4, ये चार चीजें उसमें भर दीजिए। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आज रात तक नहीं कल सुबह तक आपके पास आइट्रेशन 4 का कट ऑफ एनालिसिस आ जाएगा। ऑलरेडी कुछ बच्चों का डेटा हमारे पास है, थोड़ा सा और हमको डेटा चाहिए एक परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए। बाकी सिक्स्थ आइट्रेशन तक क्या आपकी कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, तो वो जाके देख लीजिए। अगर उस मार्क्स रेंज में आप फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिक्स्थ आइट्रेशन आते आते कोई ना कोई एक ब्रांच डेफिनेटली अलॉट हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। और फोर्थ आइट्रेशन में जैसा कि मेरी 4-5 बच्चों से बात हुई है, एनालिसिस ये निकला है कि मार्क्स का अभी भी जो ड्रॉप है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिला है, इतना ज्यादा मार्क्स का ड्रॉप अभी तक नहीं हुआ है। तो मेक श्योर जो मैंने बोला था कि आपका मार्क्स का मैक्सिमम ड्रॉप है, फोर्थ आइट्रेशन के बाद नहीं, फिफ्थ आइट्रेशन और सिक्स्थ आइट्रेशन में आपको मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा। फोर्थ आइट्रेशन में कुछ कुछ बच्चों का ड्रॉप आया है, कुछ बच्चे वेटलिस्ट जो है क्लियर करके उनको ब्रांचेस अलॉट की गई है, ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ आइट्रेशन और सिक्स्थ आइट्रेशन में डेफिनेटली ड्रॉप आएगा। और अगर आपके मार्क्स मोर देन 140 की रेंज पे है तो आपको एमएससी बायो हैदराबाद तक मिलने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो जस्ट मेक श्योर आप सिक्स्थ राउंड तक बने रहें, सिक्स्थ आइट्रेशन तक बने रहें, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, गूगल फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उसको डेफिनेटली फिल कर दे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एनालिसिस आइट्रेशन 4 की कट ऑफ के साथ। एकदम आप डेटा भर दीजिए, उसके बाद एक परफेक्ट एनालिसिस टीम करेगी, उसके बाद आपके पास वो आ जाएगा वीडियो। कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।